एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर सनी हियर। आज मैं आपके साथ बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा एंटी एजिंग एसपीएफ डे क्रीम की रिव्यू एंड डेमो शेयर करने जा रही हूँ, जो है मेरा सबसे फेवरेट वाला ब्रांड ओले रेंज में है। ये व्हिप का मतलब है आपका बहुत ही टेक्स्चर लाइट वेट, एक एयर फिनिश, जो एयर ब्रश आपका टेक्स्चर होती है वैसा देगी, बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है, सबको यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल स्किन टाइप, स्पेशली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए दिस इज़ द मिरेकुलस प्रोडक्ट। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ऑलमोस्ट मैं आपको दिखाती हूँ क्यों मैं इतना सारा बात बोल रही हूँ, आप देख सकते हो। शायद 2-3-4 डेज, मैक्सिमम 4 डेज चलेगा, उसके बाद ये ख़त्म। तो मैं खुद इसे यूज़ किया, कोई भी नहीं, बिकॉज आई एम ए बिग फैन ऑफ ओले, पॉन्ड्स, लॉरियल, ये सब ब्रांड्स मेरा बहुत फेवरेट है। और ओले का जो एंटी एजिंग स्किन रिजनरिस्ट जो है ना, ये वाला ऑसम प्रोडक्ट है। आप 20 से अबव हो तो अब से स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक बार रिंकल आ जाए ना, फिर उसको अपने फेस से हटाना नॉट पॉसिबल डियर। 20 में ही इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दो ना, यू विल सी द रिजल्ट, रियली रिजल्ट। मैं 35 प्लस की हूँ, मेरे स्किन में आप देख सकते हो कोई भी रिंकल नहीं है, बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 20 से ही मैंने स्टार्ट कर दिया हल्का कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना। तब उतना ज़्यादा ये सब क्रीम वगैरह नहीं था, लेकिन जब जब मेरा 26 अबव हो गई, मैं अच्छे खासे एंटी एजिंग स्किन केयर में मैं एंटर कर गई थी। आपको वही करनी है, उसके साथ अच्छे से खान पान करनी है, हेल्दी प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फिश ऑयल आपको लेनी है। आप नॉन वेज नहीं लेते हो, वेज लेते हो तो आप सप्लीमेंट्स लो, वेज में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोटीन्स के सोर्स होते हैं, वो आप कंज्यूम करो। दूध पीते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है डियर। ये सब दही लेनी है, प्रोबायोटिक, गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरिया आपको इंटेक करनी है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा करनी है, 8 आवर्स आपको सोना है, अच्छे से खान पान करनी है, जंक फूड अवॉइड करनी है, और 20 प्लस होने से ही आपको अच्छे से स्किन केयर में क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग को फॉलो करनी है। ये सब बेसिक बात है, लेकिन आप कौन सा क्रीम यूज़ करोगे जो आपको 100% सेटिस्फेक्शन देगी। स्पेशली डे टाइम हर कोई सनस्क्रीन नहीं यूज़ करना चाहता, सनस्क्रीन थोड़ा सा पैची होती है, ग्रीजी होती है, व्हाइट कास्ट छोड़ती है, ब्लेंड होने में दिक्कत होती है। आपका अगर 25 अबव हो तो आप एक काम करो, ये जो क्रीम है ये इतना लाइट वेट है और इसमें SPF 30 भी है, इसलिए ये डे क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग है, लाइट वेट है, सब किस स्किन में जाती है। SPF 30 के साथ साथ ये आपको व्हाइट कास्ट नहीं देती है। दूर कहीं पे जाना चाहते हो तो इसके साथ आप आपका स्ट्रॉन्ग लेवल वाला, हाई लेवल वाला, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला सनस्क्रीन है उसे यूज़ कर सकते हो। बट डेली बेसिक में आप घर पे रहते हो, कुकिंग करते हो, तो इसके लिए ये वाला सफिशियंट है, क्योंकि SPF 30 होती है कि ऐसा आपका SPF जो आपके हर दिन के लिए एकदम परफेक्ट होती है। हाँ, कुकिंग करने के लिए दिस इज़ अ परफेक्ट वन। कोई भी टैन नहीं है मेरे फेस में, मैं एकदम बेयर फेस में हूँ, मैं आपको क्लीन करके भी दिखा सकती हूँ, एक भी नहीं है। यहाँ जो है ना, ये ऑयल है जो निकल रही है, एकदम नेचुरल ग्लो जिसे बोलती है वो, और वो सब निकलती है ये सब क्रीम के साथ। मुझे ओले ने कोई भी पैसा नहीं दिया है डियर। इसका प्राइस मैं बता दूँ, इसका सब कुछ मैं बताऊँगी। पहले आपको जो करनी है, ये जो रेड टाइप का जो बटन होती है ना सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दीजिए, जो टोटल फ्री है। उसके पास मेरे चैनल में जो टिंग टोंग बेल है उसे भी हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन का, ताकि ये सब जैसा वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी, या पुराना वाला वीडियो भी आपके अकॉर्डिंग देख सकते हो, जो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो चलिए, और एक बात, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपके लव्ड वन के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अभी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। मैं तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपको बता दिया, अब प्रोडक्ट्स के बारे में बता देती हूँ कि आप इसे क्यों परचेस करोगे। तो दिस इज़ फ्रॉम ओले रिजनरिस्ट, ये व्हिप है, यूवी इसका जो रेंज है, व्हिप यूवी इफेक्टिव फॉर्मिंग वेटलेस फील वाला आपको फील कराएगी। कोई भी आपके स्किन में कुछ लगाया हो ऐसा फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। और ये सिर्फ रिजनरिस्ट भी नहीं, ब्राइटनिंग वाला जो इसका वेरिएशन है उसमें भी व्हिप रेंज है। 7-in-1 जो एंटी एजिंग इसका जो वेरिएशन है उसमें भी ये व्हिप अवेलेबल है। आप तो ये 50 ग्राम्स का है प्रोडक्ट, इसका प्राइस है 1999, 2000 की है, लेकिन मैंने इसे परचेस किया था 1499 में, तब बहुत ज़्यादा नायका में सेल चल रही थी। आपको अगर लेना है ऐसा प्रोडक्ट तो सेल में ही लीजिए, 1499-1699 में आपको आराम से मिल जाएगी, दिस इज़ नॉट अ जोक, बहुत अच्छे डील में मिलती है, सिर्फ आपको फॉलो करनी है। ये जो पैराबेन, सल्फेट, आपका पेट्रोलियम, मिनरल्स, ऑयल, सिंथेटिक कलर्स सब कुछ इसमें नहीं है, फ्री फ्रॉम, आप देख सकते हो ये सब इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे नहीं है। और ये है सोलर शेयर टेक्नोलॉजी है इसमें, एंड जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसमें, UVA UVB प्रोटेक्शन है, SPF 30 है,
तो मैंने इसमें PA++ तो नहीं लिखा है डियर, बट इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, SPF 30, UVA UVB प्रोटेक्शन के साथ आती है, तो दिस इज़ द वेरी वेरी गुड सन प्रोटेक्शन। नायासिनामाइड है जो स्किन के आपको कम्प्लेक्शन निखारती है, इवन आउट करती है स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स एंड एक्ने, सीबम कंट्रोल सब कुछ करती है। उसके साथ प्रो वाइटामिन B5 है जो आपके स्किन में एक नेचुरल ग्लो देती है। अमाइनो पेप्टाइड स्किन में नेचुरल एक कोलाजन प्रोड्यूस करती है। और फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, करो फ्रूट एक्सट्रैक्ट और हालोरोनिक एसिड जो हम जानते हैं, नेचुरल पीएच, बैलेंस वाटर सप्लाई, और उसके साथ ही स्किन को पैम्पर करती है, स्किन में कोलाजन को मेंटेन रखती है, स्किन को यंग एंड फर्म एंड टाइट लगती है। तो ठीक है, तो ये है इतना सारा इसका गुड क्वालिटीज। मैं आपको कैसे ना बोलूँ कि आप इसे यूज़ नहीं कीजिए। और इसके साथ जो लिखा है मैं थोड़ा सा बता दूँ, एंटी एजिंग मॉइस्चराइज़र है, आप इसे आईज, जॉ लाइन, नेक में भी लगा सकते हो। इसमें मैं लगाती हूँ, आपको लगा के भी दिखाऊंगी, कोई आई इरिटेशन नहीं होती है। यूनिकली व्हीप्ड विद मॉइस्चर टू ट्रांसफॉर्म द स्किन फॉर फर्स्ट एब्जॉर्वेशन एंड एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स पेनिट्रेशन टू स्किन सर्फेस लेयर, बहुत क्विक एब्जॉर्ब होती है। फॉर्मूला विथ एडवांस्ड अमाइनो पेप्टाइड कम्प्लेक्स 2 हेल्प्स रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स। जैसे मैंने आपको कहा, अमाइनो पेप्टाइड है, वेरी गुड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है उसमें, और हाइड्रेट करती है ये, आपको लिफ्टेड लुक देती है, फॉर्म बनाती है, स्मूथ करती है, मैट फिनिश रखती है ऑल्टो। और मैट मतलब एकदम कंप्लीट मैट में नहीं बोलूँगी, जो हमारा रिक्वायरमेंट है वैसा मैट है, जो स्किन में खिंचा खिंचा भी नहीं रहेगी, ड्राई, एक बहुत ही सॉफ्ट सपल के साथ साथ विदाउट ग्रीसीनेस, विदाउट ऑयलीनेस जो लुक देती है, वैसा वाला मैट देती है जो हर स्किन का रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए मैं हर स्किन में पहले ही बोल दी हर स्किन के लिए है, लेकिन आपको सिर्फ बहुत देर तक सन में रहनी है तो आप इसके ऊपर कुछ स्ट्रॉन्ग वाला SPF और भी लगा सकते हो। और इसका जो है, इसके पीछे टोटल ग्लिसरीन, आपका ये स्टार्च वगैरह है, वाटर है, इसमें क्या क्या है, पैल्मेटिक एसिड जो है इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। आउटर कटर में आपको सब कुछ मिल जाएगी। आप ये नॉन ग्रेसी है, नॉन क्लॉगिंग पोर्स, मैं नॉन कमिटोजेनिक है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने इसका एक्सपायरी डेट है, मैं शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स। तो चलिए, ये है आउटर कर्टन, मैंने आपको पूरा सा पूरा दिखा दिया। आई लव दिस आउटर कर्टन, बहुत ही बढ़िया वाला है। अब मैं इसको दिखाती हूँ, इसमें आपको मिल जाएगा डियर क्वांटिटी एंड प्राइस एंड शेल्फ लाइफ, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो इंग्रेडिएंट्स अगर आपको रखनी है तो उसके लिए आप आउटर कर्टन रख सकते हो। और बाय द वे, दिस इज़ नॉट अ ग्लास जार, तो दिस इज़ टोटली डफल फ्रेंडली है। सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्नर डियर, ये फिंगर डिगिंग जो होती है ना, थोड़ा सा जर्म्स का इशू होती है, तो अच्छे से हाथ क्लीन करके आप लगाइएगा। इससे पहले आप नायासिनामाइड या वाइटामिन सी दिन में लगा सकते हो, बट कोई भी रेटिनल ग्लाइकोलिक या आपका AHA BHA या लैक्टिक एसिड या आपका कोई भी कोजिक एसिड, ऐसा इसके साथ मत यूज़ कीजिएगा, स्पेशली डे टाइम में। इसे आप नाइट में भी नाइट क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी इसका जो रीजनरिस्ट का जो नाइट क्रीम है, जो और ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, क्योंकि नाइट में हमारे स्किन में और ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है, उससे आप यूज़ करो तो बेटर होगी। दोनों को दोनों टाइम में कीजिए तो स्किन में निखार, स्किन का टाइटनेस और आपका जो सॉफ्टनेस, वो एक महीने में अच्छे से विजिबल होगा। जब लोग आके आपको बोलेंगे आप क्या लगा रहे हो, कि स्किन इतना क्यों निखर गई, इतना क्यों सॉफ्ट सपलर यंग लुकिंग होगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मत लगाना है, मैं यहाँ पे डॉट करके लगा रही हूँ, मेरा फेस के साइज़ के ऊपर और रिक्वायरमेंट के ऊपर। मेरा ड्राई टू कम्बिनेशन होती है इस टाइम में, और समर में मेरा ऑयली टू कम्बिनेशन होती है, लेकिन 35 एवर होने के साथ साथ मेरा स्किन अभी थोड़ा सा ड्राइनेस की तरफ जा रही है, तो एक मेल्ट हो गई। मैं आईज़ के नीचे ऐसे लगानी है आपको, घिस घिस के मत लगाइएगा, आईज़ एरिया इज़ वेरी सॉफ्ट, आपको सॉफ्ट आउटर स्ट्रोक में लगानी है, ताकि आपका रिंकल वगैरह कुछ नहीं आए। एकदम देखिए कितना सॉफ्टली टाइटली हो गया। नोज़ में आपको लगानी है, बोथ साइड ऑफ नोज़ से थोड़ा ड्राई हो जाती है। मेरा ऑयली नोज़ है टी जोन, लेकिन ये दो साइड बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और इसको आपको ऐसे मसाज करना है अपवर्ड। ओके, फोरहेड में ऑलवेज अपवर्ड स्ट्रोक में आपको करनी है, ठीक है। बिल्कुल भी पैची नहीं होती है, देखा कितना अच्छे से ग्लो दे रही है आपके फेस में। एक हेल्दी लुकिंग स्किन जिसे बोलते हैं ना, इसके साथ आपको वही मिलेगी, एक हेल्दी लुकिंग स्किन। एक कॉर्न मैं आपको बता दूं, आपका अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है
तो आपको थोड़ा सा आपका अगर पीलिंग है कहीं पे, या आपका वुंडेड स्किन है, आपको पिंपल आप पॉप किए हो, या आपका बर्न हो चुकी है कहीं जगह, खरोच आ गई है वुंडेड एरिया में, ये लगाओगे तो थोड़ा सा आपको इरिटेशन होगी। नेचुरल थिंग, नाइसिनामाइड है और जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें आपको थोड़ा सा इरिटेशन होगी, नॉट ऑन नॉर्मल स्किन, मेरे स्किन में नहीं हो रही है, लेकिन मेरा अगर यहाँ पे पीलिंग हो रही थी, यहाँ पे फटा हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ है तो होगी। तो ये मैं अच्छे से डिस्क्लेमर दे दिया। तो मेरे वीडियो आपको पसंद आई है, हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट, अभी विंटर में आपको कहीं पे भी ऐसे डिस्काउंट मिले तो प्लीज़ इसे परचेस कीजिए एंड ट्राई कीजिए, और कैसा लगा मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।